जी वासुदेव देवनानी जी विधानसभा के सभापति बने हैं, स्पीकर बने हैं और पक्ष और विपक्ष ने एक सामूहिक रूप से निर्णय करते हुए स्पीकर के चुनाव में सबने पूरी भूमिका निभाते हुए उनको समर्थन किया है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से स्पीकर की भूमिका जो विधानसभा में सभापति के रूप में जो होनी चाहिए वो निश्चित रूप से उनसे अपेक्षा है कि वो उस पर खरा उतरेंगे। बहुत संजीदा व्यक्ति हैं, शिक्षक रहे हैं, लंबे समय का अनुभव है और पांचवी बार अपने निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीत करके आए हैं। तो मैं मानता हूं कि उनका काफ़ी विधायी अनुभव काफ़ी लंबा रहा है और उसका पूरा लाभ लेते हुए निष्पक्षता के साथ में पक्ष विपक्ष को सामंजस्य रखते हुए वो अपने कार्यकाल को भी चलाएंगे और जिन मुद्दों को लेकर के एक निर्वाचन क्षेत्र से अपने लोगों के बीच से जो जनता चुन करके भेजती है किसी विधायक को और उसको अवसर मिलता है कि वो अपने क्षेत्र के मुद्दों को सदन में ला करके रखे, अपनी समस्याओं को सदन में रखे, तो वो मौका देने का अधिकार अगर कोई रखता है तो सभापति जी रखते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि सभापति जी सब लोगों को किसी भी इस प्रकार का पक्ष विपक्ष को अपने साथ रख करके या निर्दलीय जीत करके आए हैं, जो अलग अलग छोटे दलों से जीत करके आए, सबको साथ रख करके सबको समान रूप से अवसर देंगे और विशेष रूप से उन नौजवानों को अवसर देंगे जो पहली बार जीत करके विधानसभा में पहुँचे। मेरे जैसे साथी, कई साथी जो पहली बार विधानसभा में पहुँचे उनको विशेष रूप से वो अवसर देंगे ताकि हमको भी अनुभव मिलेगा और अपनी क्षेत्र की समस्याओं को हम विधानसभा में रखेंगे ताकि जिस आशा के साथ में हमारे 36 कौम के लोगों ने, जनता ने जो चुन करके हमको इस राजस्थान के सबसे बड़ी पंचायत में सदन में भेजा है, उन पर हम कैसे खरे उतरे उसमें स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये बात जरूर है कि एक जिज्ञासु, एक विधानसभा के सदस्य की हमको भूमिका निभानी पड़ेगी, हमको लगातार प्रश्न लगाते रहने होंगे, हमको लगातार हमारे क्षेत्र की समस्याओं को रखना होगा और उसमें अवसर देने का काम वो विधानसभा के स्पीकर करेंगे। मैं आज उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे से पहले दिन पक्ष विपक्ष को साथ रख करके चलने की बात कही और मुझे पूरा भरोसा है कि 5 वर्ष में वो अच्छे से पूरी विधानसभा को चलाएंगे और राजस्थान नए आयाम छुए, राजस्थान की सरकार जो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे और विपक्ष में रहते हुए हम लोग राजस्थान की सरकार को चेताते रहेंगे ताकि वो जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ में सरकार चलाए। जहां पर भी हमको लगेगा कि ऐसी योजनाएं जो जनता के लिए अच्छी है या पूर्ववर्ती सरकार ने जनता को ध्यान में रखते हुए, जनमानस के हित को ध्यान में रखते हुए जो योजनाएँ वो लेकर के आए थे, उन योजनाओं को अगर सरकार गलत मंशा से बंद करने का काम भी करेगी तो हम सजग विपक्ष होने के नाते मजबूती से पुरजोर विरोध करेंगे। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका कांग्रेस पार्टी निभाएगी, सब लोग मिलकर के मजबूती से आगे बढ़ेंगे, जिसमें स्पीकर साहब का योगदान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो निष्पक्ष रूप से रह करके अपनी पूर्ववर्ती जो जिस अलायंस, जिस पार्टी से वो जीत करके आते थे उनमें से ही बहुमत का जो पार्टी बहुमत में होती है उनमें से स्पीकर चुना जाता है, तो ये समझेंगे कि मेरे लिए सब सदस्य समान है, भले ही वो पक्ष का हो भले ही वो विपक्ष का हो। तो मैं आश्वस्त हूँ कि 5 वर्षों में राजस्थान में अच्छा काम देखने को मिलेगा और विधानसभा में अच्छी कार्रवाई देखने को मिलेगी। निश्चित रूप से मैंने पहले ही बात आपको कही कि जो योजनाएं वास्तव में जन कल्याण के लिए बनी थी और पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में अमल में लाकर के उन योजनाओं को, भले ही वो चिरंजीवी योजना हो, भले ही वो गैस सिलेंडर की हमारी गृहिणियों के लिए योजना हो, भले ही वो हमारी OPS जैसी स्कीम हो, वो सारी स्कीम और हमारे जो आउट ऑफ टर्न हमारे स्पोर्ट्स के जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको, हर जो वर्ग के लोगों को लेकर के, किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, उसको लेकर के जो जनहित की योजनाएँ पूर्ववर्ती सरकार ने बनाई थी और उनको लागू किया था, वो योजनाएं चलती रहे। ये योजना कभी किसी कांग्रेस और BJP की नहीं होती, योजनाएं जनता की होती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, राजस्थान की सरकार को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि योजना किसी पार्टी की नहीं होती, योजना जनता की होती है और जनहित की जो योजनाएं हैं उनको वो रखें, उनका हमारा उनको पूरा समर्थन रहेगा। अगर वो कुछ ऐसा काम, ऐसी योजनाएँ लेकर के आते हैं जो जनता के हित में नहीं है, जिस प्रकार के काले कानून केंद्र सरकार किसानों के विरुद्ध लेकर के आई, जिसके विरोध में पूरे देश में किसानों ने बड़ा आंदोलन किया, आज जिस प्रकार से देश के लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है, इतने बड़ी संख्या में सांसदों को लोकसभा से सस्पेंड किया जा रहा है, राज्यसभा से सस्पेंड किया जा रहा है, तो ऐसी घटनाएं नहीं हो करके एक लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम हो, जिसमें राजस्थान राज्य का, पूरे देश का महत्वपूर्ण राज्य है, जिसमें सभापति वासुदेव जी अच्छी भूमिका निभाते हुए बिना किसी राग द्वेष के सदन को चलाए, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ।
देखिए हमारे जो सदस्य बनकर के आए हैं, निश्चित रूप से अपने क्षेत्र में उन्होंने अच्छा नेतृत्व किया है, इसलिए जनता ने उनको भेजा। ये हमारे पार्टी आलाकमान का निर्णय है और उसमें निश्चित रूप से आप मानिए कि अच्छा निर्णय होगा और सही निर्णय के साथ में कांग्रेस पार्टी विपक्ष का नेता निश्चित रूप से आप सबके बीच में और सदन में रखेगी। एक सवाल और, बीजेपी नेताओं ने आज राहुल गांधी का पुतला फूंका। देखिए मिमिक्री जो आप उपराष्ट्रपति जी का जो विषय या जो मुझे बताना चाह रहे हैं, मैं उनकी महामहिम है और मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन इस प्रकार का अगर राहुल जी को लेकर के, ये तो सबका कुछ ना कुछ चलता रहता है। मुझे लग रहा है कि या तो कानून अगर कोई देश में हो तो सबके लिए लागू हो और इस विषय में सबको समान रूप से ये समझा जाए कि अगर कोई इस प्रकार की घटना, मैंने बहुत ज़्यादा सुनी भी नहीं है लेकिन मुझे चर्चा ज़रूर पता लगी है कि ऐसा कोई मामला रहा है जिसमें कई लोग, हाँ मुझे 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 हाँ नहीं, मैं नहीं मानता कि पुतला जलाने से कोई, क्योंकि राहुल गांधी जी हमारे देश के नेता और जिस प्रकार की लोकप्रियता, मैं मिमिक्री के उस मोमेंट को अलग रखते हुए मैं कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी की जैसी लोकप्रियता भारत जोड़ो यात्रा से बढ़ी, जिस प्रकार का काम उन्होंने देश में घूम घूम करके जन समर्थन जुटाया, जैसे जिस प्रकार से वो हर वर्ग में जाकर के एक अच्छे से पहचान बनाने का काम कर रहे हैं और मजबूती से एक देश में मजबूत नेता के रूप में उभर रहे हैं, बीजेपी उससे घबराई हुई है, इसीलिए उनको डिफेम करने के लिए इस प्रकार के जो धरने प्रदर्शन, इस प्रकार के पुतला जलाने का कार्यक्रम रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि पुतले उनके जलते हैं तो बहुत मजबूत होता है।